पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना जिंदगी के बारे में सोचना मतलब एक असंभव काम को पूरे करने का सपना देखना लेकिन कभी सोचा है ये जो पानी आपको जिंदगी देता है अगर ये आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दीक्षा वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ क्रॉल सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपकी हार्ट बीट्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो अगर आप ऐसी मूवी से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं तो क्रॉल को बिल्कुल मत देखना क्योंकि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है फिल्म का थीम है सर्वाइवल यानी जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना और मौत के मुँह से ज़िंदा निकलना हम सब ने अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर फेस की होगी जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बस कुछ पल की मेहमान है फिर चाहे वो रात का डरावना सपना हो या फिर कार एक्सीडेंट जिसमें हम बाल बाल बच निकलते हैं बस इस डर को जिंदा करने का काम किया है इस फिल्म ने जो पूरे डेढ़ घंटे में आपको दो चीज़ें तो जरूर सिखा देगी अपनी लाइफ से प्यार करना और पानी का सही ढंग से इस्तेमाल करना इस फिल्म को देखने के बाद आप अपनी लाइफ की वैल्यू करना ज़रूर स्टार्ट कर दोगे आदर को ढूंढने के लिए उस तूफान में फंस जाती है मतलब जब पूरी दुनिया अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है तब हेली जान खतरे से पंगा ले रही है इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है सबसे बड़े विलन यानी एलिगेटर्स की जो तूफ़ान में बह के लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं और अब इंसानों की जान के पीछे पड़े हैं फिर चाहे आपका सर हो या फिर आपके पैर एलिगेटर्स को सब कुछ काफ़ी टेस्टी लगता है यहाँ से फिल्म में खतरों के खिलाड़ी टाइप का एक गेम शुरू हो जाता है लेकिन अगर आप यहाँ पे टास्क में फेल हो जाते हैं तो आपको गेम से बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा देखो क्रॉल एक ऐसी फिल्म है जिसमें डर तो काफ़ी सारा है लेकिन ये भूत या फिर चुड़ैल वाला डर नहीं है फिल्म में जिस तरीके से एक इंसान और एलिगेटर के बीच जिंदगी और मौत का खेल दिखाया गया है उसे देखने के बाद आपको दिमाग में एक अजीब सी उलझन महसूस होने लगती है फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स भी डाले गए हैं जिनकी वजह से आप आंखें बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे और हो सकता है कि आप फिल्म के बीच से उठकर ही बाहर निकल आएँ मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ कि कमज़ोर दिल वाले इस फिल्म से थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा इसके अलावा फिल्म में एक फादर डॉटर वाला बॉन्ड भी दिखाया गया है जिसके साथ हर लड़की इजीली कनेक्ट कर सकती है कैसे हम बचपन में, में पापा को अपना हीरो मानते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनके सपोर्ट की तलाश करते रहते हैं ये सब कुछ आपको फिल्म में देखने को मिल जाएगा और पूरी कहानी सिर्फ दो कैरेक्टर्स के अराउंड लिख दी गई है फिल्म को देखकर ऐसा लगता है जैसे काफी सारे डरावने सीन्स को आपस में जोड़ने के लिए राइटर ने थोड़े बहुत डायलॉग्स लिखकर एक कहानी तैयार कर दी है मतलब अगर आप कॉन्जरिंग जैसी हॉरर फिल्मों की कहानी इस फिल्म से एक्सपेक्ट करेंगे तो आप बुरे तरीके से डिसअपॉइंट हो सकते हैं एक कमाल की बात आपको बता दूं फिल्म की 90 परसेंट शूटिंग एक अंडरग्राउंड टनल में की गई है जिसकी वजह से फिल्म बीच बीच में थोड़ी डार्क लगने लगती है और फिल्म से कलर के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी गायब हो जाता है फिल्म काफ़ी एवरेज है और इसमें कुछ भी नया या फ्रेश देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से सारे हॉरर सीन्स को डायरेक्ट किया गया है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और आपको पहले से ही पता चल जाता है कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है हाँ लेकिन फिल्म एक दमदार सोशल मैसेज भी है जिससे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए अगर हम सारे जंगल और पेड़ काट कर सिर्फ घर बनाना शुरू कर देंगे तो ये जो जानवर हैं वो हमारे घरों को जंगल समझ के उनमें रहने के लिए आ जाएंगे अब चॉइस आपके पास है या तो पेड़ बचा लीजिए या फिर जंगली जानवरों के साथ रहने की आदत डाल लीजिए देखो कम शब्दों में बोलूँ तो क्रॉल एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के नाम पर चार पाँच जिलावने सीन्स मिलेंगे जो आपके दिमाग को जोर के झटके दे सकते हैं लेकिन अगर आप एक प्रॉपर हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म उस मामले में काफ़ी कमज़ोर है और भूत वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं है मेरी तरफ से क्रॉल को पांच में से दो स्टार्स एक स्ट्रा फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए क्योंकि पानी को हमारा दुश्मन बना के दिखाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और एक स्टार फिल्म में डाले गए सोशल मैसेज के लिए जो आपको आपकी जिंदगी की कदर करना जरूर सिखा देगा बात करू नेगेटिव्स की तो एक स्टार कटेगा फिल्म की कमजोर स्टोरी लाइन के लिए एक स्ट्रा फिल्म को जरूरत से ज्यादा डार्क बनाने के लिए जिसमें फिल्म के एक्टर के साथ साथ बेचारे एलिगेटर भी गायब हो जाते हैं और एक स्टार कटेगा फिल्म के पूरे डायरेक्शन के लिए जो कहानी को काफी प्रडिक्टेबल बना देता है बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना मिलूंगी आप से अगले वीडियो में टेक केयर बाय बाय